नमस्कार, मैं मुकुश तिजोर और आप देख रहे हैं करनाल विकिंग न्यूज। इस वक्त मौजूद है करनाल के जिला सचिवालय में। तमाम आरटीओ स्टेशन जो है करनाल के जिला सचिवालय पहुंचे, एक बार उनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ उनकी मांगे, किस लिए आज यहां पर पहुंचे हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारी तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है SDM जो है पहुंचे हैं ज्ञापन देने के लिए, जो है यहाँ पर आरती एसोसिएशन जो है पहुंची है। फिलहाल एक बार बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे क्या कुछ उनकी मांगे हैं। हमारी आदत पूरी है और एक सीमांत किसान लोग जो फसल नहीं ले रहे लास्ट जो 4% बढ़ा दिया सर, हम चाहते हैं कि अगर दूसरी स्टेट में कम है ये फीस 1% है, वो जो राइस मिलर्स हैं वो तकरीबन दूसरी स्टेट से लेना शुरू कर दिया है क्योंकि फीस ज्यादा पड़ रही है मैडम, तो इसको कम किया जाए सर। किसान का है जो किसान की जो पेमेंट की ऑप्शन होनी चाहिए सर, किसान चाहे तो किसान खाते में, जो किसान अगर चाहे तो आर्थिक के माध्यम से जैसे उचित समझ। सीएम साहब ने हमसे वादा किया था किसान की मर्जी पे स्टेट बॉडी से कि हम ऑप्शनल करेंगे, लेकिन उन्होंने बाद में फिर कर दिया सर। और ये जो ढुलाई है ट्रांसपोर्टेशन जो करते हैं वो कहते थे कि हम उसको पंचायत को ठेका देंगे, हर बार सरकार कहती है पंचायत को ठेका देंगे लेकिन वो फिर किसी और को ठेका देती है। हम चाहते हैं कि पंचायत को ठेका दे, पंचायत ही अपने कनक उठवा लेगी उनकी जो भी होगी, उससे हमारी क्या होगी शॉर्टेज नहीं आएगी, समय को हमारा माल उठेगा। और जो ये मार्केटिंग बोर्ड के नियम है सर, ये जो भी उसके पंजाब के पैटर्न पे है इन इसी नियम के साथ हमारा बदलाव किया जाएगा। सभी जायज मांगे हैं एसडीएम साहब, हमारी सरकार तक बात ये कोई हम एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे सर, ये भी जो है हमसे जो पैसा काटा गया वही मांग रहे हैं, कोई हम एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे सरकार से कि हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे। तो हरियाणा स्टेट आरती एसोसिएशन जो आज करनाल के जिला सचिवालय पहुंची है, SDM को जो है ज्ञापन दिया गया, उनसे एक बारी बातचीत करेंगे क्या कुछ उनकी मांगे। फिलहाल देखते हैं कि काफी संख्या में जो एसोसिएशन है जो उनकी आरतियों की वो आज जिला सचिवालय पहुंची है, एक बारी उनसे बातचीत कर रहे थे कि क्या कुछ उनकी मांगे, एक बारी उनसे बातचीत कर रहे थे क्या कुछ मांगे। सर क्या कुछ कहेंगे, क्या मांगे, किनको ज्ञापन दिया, क्या मांगे। हम चाहते हैं कि जो हमारी आड़त है 2.5% आड़त है लेकिन सरकार ने हमें काट के दी है, हम चाहते हैं कि हमारी आड़त पूरी दी जाए जो हमें सरकार ने काटी है। दूसरा हमारा है कि सीमांत किसान जो जिनकी फसलें नहीं आने दी जा रही, और सीमांत किसान के बगैर हमारे आर्थिक का बहुत घाटा हो रहा है, हम कह सकते हैं कि सीमांत किसानों को हमें आने दिया जाए क्योंकि वो बरसों पुराना हमारा उनसे लेन देन है। तीसरा हमारा है कि जो इस पे मार्केट फीस बढ़ाई है सरकार ने, वो 4% कर दी है HRDF, उससे क्या हो रहा है कि जो बाहर की स्टेट्स हैं उसमें फीस कम है, और जो राइस मिलर्स वगैरह एक्सपोर्टर्स हैं ये माल यहाँ पर हमारे राज्य में लेने की बजाय बाहर से माल मंगा रहे हैं, तो उससे नुकसान आढ़तियों का हो रहा है, किसानों का हो रहा है और सरकार का भी हो रहा है फीस में, तो हम चाहते हैं कि उसको कम किया जाए। बाकी जो मंडियों का ठेका है वो ट्रांसपोर्टेशन का कनक लुदाई का, हम चाहते हैं कि उसको पंचायत को दिया जाए ताकि हमारा माल आराम से उठ सके, उसमें कोई खराबी ना हो, सरकार को अपना पूरा माल मिले, उससे शॉर्टेज बहती है माल लेट उठता है। बाकी मार्केटिंग बोर्ड के नियमों अनुसार जो पैटर्न है पंजाब पैटर्न है, हम चाहते हैं कि उसमें बदलाव किया जाए, जैसे इन्होंने ये कर दिया कि यहाँ सिर्फ आड़त का काम होगा, हम चाहते हैं कि मंडियों में सारी तरह का काम हो, और जो फीस ये लाइसेंस फीस लेते हैं लाइसेंस फीस एक बार ली जाए, तो ऐसे ऐसी कुछ मांगे हैं जो पंजाब पैटर्न पे, बाकी और कोई ज्यादा डिमांड नहीं है, हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई सरकार से हम कोई ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे। सर हर बार देखा जाता है करनाल के साथ लगते दूसरे राज्य भी है, वहां से जो है फसल नहीं आ पाती, जैसे यूपी का लगता एरिया तो करनाल नहीं आ पाती, उनके लिए क्या कुछ। वो वही कह रहे हैं हम सरकार से कि उनको फसल को आने दिया जाए, फसल ही तो लेके आ रहे हैं, कोई तस्कर तो नहीं कर रहे ना, कोई अलग ऐसे तो नहीं है, फसल ही है। सरकार एक तरफ तो कहती है कि किसान अपनी फसल कहीं बेच सकता है, और दूसरी तरफ जो सीमांत किसान है वहां से फसल को आने नहीं दिया। सर क्या कुछ कहेंगे, आज पहुंचे SDM साहब को ज्ञापन दिया गया। वैसे तो प्रधान जी ने सारी बात बताई थी, एक तो जो फीस थी इन्होंने पहले कम कर दी थी, फिर वही 4% कर दी, बढ़ा दी। एक जो सीमांत किसान के रौड़ा है, जो हमारे लेन देन है जो यमुना के साथ किसान है, वो उनको नहीं आने देते, कोई अफीम तो ले नहीं रहे, वहां ना जाए किसान तो अपने कहीं भी बेच सके। और भारत सरकार का हुआ कि ये इसके लिए पूरा देश खुला है, एक मंडी एक देश, लेकिन उनको क्यों रोकते हैं। छोटी छोटी मांगे हैं, ये सरकार जानती भी है, कई बार इनके बाद बात हो ली तो सरकार को मान लेनी चाहिए ताकि इनके लिए विवाद ना खड़ा हो। आरती सरकार को बहुत बड़ा रिवेन्यू देता है, आरती सरकार को रिवेन्यू देता है बहुत बड़ा इकट्ठा करके, तो सरकार भी हमारी है और हम सरकार के हैं, तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो हमारे प्रधान जी जो बात कही है वो सारी जायज मांगे हैं, कोई हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांग रहे। आरत हमारी 2.5% पहले से काफी दिनों से थी, लेकिन 2 सीजन से वो काट के कम कर दी, तो हमारी यही मांग है कि आगे भी 2.5% रखे इसको, और जो पिछली जो बकाया हमारी 2.5% वो भी हमारे खाते में डाली जाए। किसान का जो पेमेंट देने का जो तरीका सरकार ने बनाया है, किसान अगर जो चाहता है
किसान की मर्जी पे छोड़ दें। किसान अगर सीधा लेना चाहे सीधा दे दो, आर्थिक माध्यम से दे, आर्थिक माध्यम से दो। ये भाईचारा किसान और आर्थिक का है। सरकार से यही अपील करते हैं सारे आर्थिक भाई, तो ये हमारी जो ये मांगे हैं उचित मांगे हैं, कोई नजायज नहीं है इनमें। और हम मांगेंगे भी किससे, हम सरकार के लिए काम करते हैं, हम किसान की फसल को साफ सुथरी करा के और सरकार तक भेजते हैं, तो हम मांगे भी सरकार से। तो सरकार से हमारी उम्मीद भी है और मांग है कि हमारी जो जितनी भी हमारी जायज मांगे हैं, सारी जायज मांग है, उसको पूरा करने का काम करें और इसी सीजन में इस मांग को पूरा करके लागू करने का काम करें। तो एसडीएम साहब से मिलेंगे, अगर जो मांगे आपकी सरकार नहीं मानते, कदम क्या अगला होगा? हमारे को पूरा विश्वास है कि जो सरकार है वो इन बातों को मानेगी, क्योंकि ये पहले से इन्होंने लागू की हुई है। एचआरडीएफ का जो पैसा है, जो फीस थी, सरकार ने खुद कम की थी और आज फिर 4% कर दी, तो ये सरकार उनको पूरी करेगी। बाकी निर्णय स्टेट करिया कराने की जो हमारी एसोसिएशन है जो फैसला लेगी, आगे चलेंगे उसको। तो लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं करनाल के जिला सचिवालय से, जहाँ पर आपको बता दें कि आज जो है तमाम आरती एसोसिएशन जो है करनाल के उपायुक्त से मिलने पहुंची, लेकिन करनाल के एसडीएम को जो है ज्ञापन सौंपा गया अपनी मांगों को लेकर। इनकी मुख्य जो मांगे ही है कि इनसे जो आरती एसोसिएशन की जो लाइसेंस की फीस है वो हर साल ली जाती है, वो जो है साल में हर साल ली जाती है, वो उसको जो है सिर्फ एक ही बार लिया जा सके। दूसरा मुख्य मांग जो है हरियाणा के साथ साथ जो अन्य दूसरे राज्य लगते हैं उनकी जो फसल है वो यहाँ पर हरियाणा में नहीं आने दी जाती। हर साल हम देखते हैं कि यहाँ पर हरियाणा के साथ अगर बात करें, करनाल के साथ अगर बात करें, यूपी का बॉर्डर लगता है, वहां से जो है काफी किसान आते हैं लेकिन उनको जो है बॉर्डरों पर ही रोक दिया जाता है। ऐसे में काफी परेशानियों का सामना जो है किसानों को करना पड़ता है, जिनसे काफी भारी नुकसान जो है वो भी उनको झेलना पड़ता है और साथ ही साथ काफी फसल जो है खराब होने का खतरा जरूर रहता है, क्योंकि धूप का समय, ऐसे में काफी फसलें जो है उनको जो है कई कई दिन जो है वहां पर इंतजार करना पड़ता है बॉर्डरों पर हरियाणा में सीमा में जो है अंदर आने के लिए। ऐसे में इसी बातों को लेकर जो आज करनाल के उपायुक्त से मिलने आए थे, लेकिन एसडीएम को जो है अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया। तीसरी मांग इनकी यह है कि जो पैसे जो है किसान को डायरेक्ट जो है सरकार देना चाहती है, उन आढ़तियों को जो है खत्म करना चाहती है, उसी को लेकर जो आढ़तियों का ये कहना है कि वो किसान और आढ़तियों के बीच की बात है, सरकार को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो आढ़तियों से पैसे लेना चाहता है वो आढ़तियों से ले, और जो किसान डायरेक्ट हरियाणा सरकार से पैसे लेना चाहते हैं वो हरियाणा सरकार से संपर्क कर सकता है। इन्हीं मांगों को लेकर जो आज करनाल के आढ़ती एसोसिएशन जो है करनाल के जिला सचिवालय पहुंची और अपनी मांगों को लेकर करनाल के एसडीएम को जो है ज्ञापन सौंपा गया। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मुकुश तीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।